गाइस, मेकअप इनसाइड में आप सबका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है मेरे चैनल पे, रिव्यूज़ आ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स, उसका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। और आज एक बहुत ही मज़े का स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रही हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली कह लो, ये नहीं बल्कि रिसेंटली ही कह लो कि एक साल पहले मैंने एक ऑनलाइन सेलर से बाय किया था, जो टी ट्री एक्सट्रैक्ट से बना हुआ स्किन क्लियरिफाइंग जेल है। एक्नी को, ब्लेमिश को, ओपन पोर्स को ये कंट्रोल करता है। मैंने अपनी एक्नी के लिए लिया था। वैसे कहते हैं कि टी ट्री जो है ऑयली स्किन वालों के लिए होती है, लेकिन ये ऑयल मेरी स्किन ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई कह लो, लेकिन मुझे बहुत ये सूट किया। जब भी मेरी एक्नी निकलती थी मैं इसको यूज़ करती थी, और ये बहुत अच्छा जेल है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके पीछे लिखे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, उनको नेट पे सर्च किया, इसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, इसमें हमारा हलाल हराम का भी थोड़ा सा हमें देख के लेना चाहिए प्रोडक्ट्स जब भी हम ख़रीदें। तो मैंने चेक किया, इसमें कोई भी ऐसा हराम इंग्रेडिएंट नहीं है, और ये हम अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। कोई हमारे, और मैंने इसको छोड़ा भी है, बहुत बहुत बीच में छोड़ा भी, ये भी नहीं है कि इसको छोड़ने के बाद मेरी एक्नी बढ़ गई हो, लेकिन मुझे ये इसकी वजह से मेरी एक्नी भी काफ़ी कंट्रोल है। आइए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये आप लोग प्रोडक्ट देखें, ये ब्यूटी फार्मूला का टी ट्री क्लेरिफाइंग ब्लैमिश जेल है, जो ब्लैमिशेस को स्पॉट करता है, पोर्स को क्लोज करता है, स्किन बैक्टीरिया से उनको बचाता है, और इसके अंदर हेजल कूलिंग रिफ्रेशिंग मिंथॉल एंड पेपर मिंट है। ये तीनों सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। टी ट्री भी हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन वालों के लिए जो अगर टी ट्री की कोई प्रोडक्ट या टी ट्री ऑयल यूज़ करते हैं, तो आपने ये करना है कि वो लगा के जब वो प्रोडक्ट ड्राई हो जाए ना, तो उसके बाद अपने ऊपर मॉइस्चर, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, कोई भी अच्छा लोशन अप्लाई करना है। ये नहीं है कि आप लोगों ने इसको छोड़ देना है, नहीं करना। और वैसे मैं इस जेल को ना ओवरनाइट रहने दे दी थी, और ये इसको मैं अभी आप लोगों को तरीका भी बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। आप लोग जैसे वीडियो में देख सकते हो, मेरे इस साइड भी देखे एक्नी निकली हुई है, तो जब भी मेरी एक्नी निकलती है मैं इसको यूज़ करती हूँ इसको अभी। और एक मैंने आपको अपनी एक्नी और डार्क स्पॉट्स कंट्रोल की रेमेडी भी बताई थी, टर्मेरिक की, वो मैं यूज़ करती हूँ भी। मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से ज़्यादा कंट्रोल करूँ बनिस्बत ये इन प्रोडक्ट्स से, लेकिन ये भी मेरी रूटीन में ऑन एंड ऑफ रहते हैं। आइए मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इसको हमने कितना इस्तेमाल करना है। अब आप लोगों को मैंने अभी जैसे दिखाया कि मेरे इस एरिया पे एक्नी है, तो मैंने बस ये देख, तो ये ट्रांसपेरेंट जेल है, थोड़ा सा मैंने ये जेल लिया, जेल पी साइज़ का जेल लिया, जिधर मेरी एक्नी ये निकली हुई है इधर मैंने ये अप्लाई कर दिया, और इसको मैंने ड्राई होने छोड़ दिया। ड्राई जब ये हो जाएगा, इसको मैं ओवरनाइट रहने दूँगी, सुबह उठ के मुँह वॉश कर लूँगी, और ये, और इससे मेरी एक्नी ड्राई भी हो जाती है। तो और मुझे थोड़ी सी आदत है एक्नी को छेड़ने की, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो बहुत काफ़ी हेल्प करता है ये पोर्स क्लोज करने वाले, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये मुझे मिली थी राउंड अबाउट 250 की, और ये 30 ml इन साइज़ है। और लेकिन आप लोग इसका बड़ा भी आता है, लेकिन किसी अच्छे शॉप से, किसी अच्छी जगह से आप लोग ये लीजिएगा, और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये नहीं है कि आप लोग ना यूज़ करके देखें, आप लोगों को ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा है। ये मैं कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है जब भी रिव्यू देती हूँ, स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट, वो जब तक मैं खुद यूज़ करके खुद सर्टिफाई नहीं होती तब तक मैं उसको नहीं बताती किसी को। मैं एटलीस्ट ये 6 महीने इस तरह मैं लगाती हूँ, कि मैं चाहे स्किन केयर होम रेमेडी हो, चाहे ये प्रोडक्ट का रिव्यू, जब तक मैं 6 महीने एटलीस्ट उस प्रोडक्ट को देती हूँ, या बहुत कम भी दिया तो 3 महीने तो देकर फिर उसके बाद आप लोगों को मैं उसका रिव्यू देती हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपने अगर ये परचेज किया आप लोगों का कैसा रिव्यू रहा, आपको प्रोडक्ट का इसका क्या रिज़ल्ट मिला, क्योंकि हर एक स्किन की डिफरेंट टेक्सचर होता है,
डिफरेंट टाइप होती है, किसी के नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन, तो हर एक के स्किन के हिसाब से भी प्रोडक्ट रिएक्ट करती है। ये नहीं है कि मेरे स्किन पे रिएक्ट, किसी के स्किन पे देर से असर करती है, किसी के स्किन पे जल्दी असर करती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।